Hey everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. So आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हॉल इंक्लूडेड ब्लॉग. सो ये जो हॉल है ये फ्लिपकार्ट हॉल है. 2 to 3 months से मैंने बहुत ज़्यादा होम एक्सेसरीज, होम डेकोर इस तरीके के प्रोडक्ट जो है ऑर्डर करे थे. सो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी. सो मैं ब्लॉग के साथ इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि लाइक सारा का सारा चीज़ जो है हमने यूज़ कर लिया है. सो मैं वहीं से जाके आपको ब्लॉग स्टाइल में, लाइक एकदम देसी स्टाइल में, ब्लॉग स्टाइल में आपको दिखाऊंगी हॉल. ये बहुत ही न्यू है मेरे चैनल पे. सो आज मैं आप लोगों के लिए बर्गर भी बनाने वाली हूँ. सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट. तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो पहले तो मैंने ये परचेस करी है. दीज आर वॉल पेंटिंग्स. तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे एंड काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गए एक्चुअली. सो ये जो है वुडन का है, यू कैन सी फ्रॉम हियर. तो ऊपर से जो है इसका पेंटिंग जो है बस टिकन किया हुआ है, नहीं तो अंदर से ये जो है एकदम वुडन का है. सो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा. ये मुझे 179 रुपीज़ में एंटायर सेट मिल गया मुझे. और बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसको लगाने के लिए आपको वॉल में लाइक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. तो पीछे जो है स्टिकर दिया हुआ है तो आप उसे निकालो एंड स्टिकन कर दो, हो जाएगा. बहुत ही अच्छा लगा. सो पहले चीज तो मैंने ये परचेस करी है फ्रॉम फ्लिपकार्ट. सो गाइज, इफ यू कैन सी हियर, तो सेम तरीके की पेंटिंग जो वुडन की पेंटिंग बता रही थी उस तरीके की पेंटिंग मैंने और एक सेट परचेस करी है. तो इसमें 3 सेट आ रहा था लेकिन सब डिफरेंट है. लेट मी शो यू. ये भी देखिए, ये भी डिफरेंट है और एक भी है यहाँ पे हमने लगाई हुई है. सो यस, ये जो 3 सेट है एकदम डिफरेंट है, इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लगाए हुए हैं. सो ये वुडन की है कम्प्लीटली. ये भी वही स्टिकन वाला है, पीछे स्टिकर दिया हुआ है, आप उसे निकाल के आराम से लगा सकते हो, स्टिक कर सकते हो. सो यस, ये वाला मैंने लिया है सेकेंड का. ओके गाइस, सो नेक्स्ट आई गॉट दिस पीवीसी वॉल पेपर. सो दिस इज लाइक वाटर प्रूफ वाला. तो मैं जो है मेरे रूम पे, आप लोगों को पता होगा हमने न्यू घर पे शिफ्ट किया है. सो मेरे रूम के लिए मुझे चाहिए था कि मैं सब कुछ जो है न्यू तरीके से दिखाऊं. ठीक है, मैंने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च करी किस तरीके से घर को एस्थेटिक दिखा सकूं. सो मुझे पता चला कि आप इस तरीके की चीजें जो है लगा सकते हो अगर आपका कोई पुराना चीज है, ओल्ड चीज है. सो ये जो बॉर्डर्स आप देख रहे हो ये आई थिंक 12 to 13 years पुराना है. सो मैं चाहती थी कि मैं चाहती थी कि इसको न्यू तरीके से दिखाऊं. So I came up with this PVC wallpaper क्योंकि मैंने चाहती थी कि मेरे रूम पे और एक न्यू क्लॉथेस के लिए मैं लूँ, क्योंकि obviously बेड मैंने न्यू कर ली मेरे रूम के लिए. मैं नहीं चाहती थी कि और कुछ भी न्यू करूँ क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ. सो ये जो भी कुछ न्यू बन रहा है मेरे रूम के लिए वो सब कुछ वेस्टेज है. तो और 2-3 महीने में मैं यहाँ से जाने वाली हूँ. सो यस, मैं नहीं चाहती थी ये बनाना, लेकिन गाइस ये इतना अच्छा निकल के आएगा मतलब मैंने सोचा नहीं था. जो भी देख रहा है वो बोल रहा है एकदम मॉडर्न एंड क्लासी लग रहा है. सो यस, ये जो पीवीसी वॉलपेपर मैंने परचेस करी है फ्लिपकार्ट से, ये मुझे पड़ गया है 299 रुपीज में और एंटायर गॉडरेज में एक ही सीट में हो गया. सो इट इज अ लाइक रियली गुड थिंग. उसके साथ मैंने लिए ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये स्टिकर्स, ये 139 रुपीज में मुझे एंटायर सेट मिल गया. आप देखो नीचे तक भी है. लेट मी शो यू. ओके, सो नीचे तक है. तो मैंने ऑब्वियसली इसे एंटायर गॉडरेज में है जो थोड़ा सा डेकोरेट करके लगा दिया है. सो ये बहुत ही सुंदर लगा है, मतलब पुराना जैसा नहीं लग रहा है. सो यस, ये 139 रुपीज, ये 299 रुपीज, ये व्हाइट कलर का मैंने ली है. उसके साथ मैंने और एक पीवीसी वॉलपेपर ली है, मैं दिखाती हूँ आपको, वो वुडन की है. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिए ये वाला पीवीसी वॉलपेपर. सो ये आप देख सकते हो समथिंग लाइक वुडन काइंड ऑफ लुक दे रहा है. सो ये मैंने परचेस करी है सेम फ्रॉम फ्लिपकार्ट. ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, ये भी वाटर प्रूफ का है. ये भी मुझे मिल गया था 299 रुपीज में और एक ही सीट मैंने ली थी और एंटायर जो है शोकेस में ये हो गया है. एंड यू कैन सी ये काफी अच्छा लुक दे रहा है, मतलब मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है. लेट मी नो कि इन माई कॉमेंट सेक्शन आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं. ये जो कॉर्नर मैंने लगाई हुई है स्पेशली फॉर फोटोज, आप लोगों को मैंने प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था यहाँ पे क्या क्या फोटोज है. तो सिर्फ और सिर्फ फोटोज के लिए मैंने ये कॉर्नर लगाई हुई है. आगे भी जाके मैं जो भी फोटोज वगैरह खरीदूंगी बनाऊंगी वो सब कुछ यहाँ पे लगाने वाली हूँ. ओके गाइस, सो नेक्स्ट आई गॉट दिस थिंग, मैं आपको दिखाती हूँ. यस, दिस इज द लाइक वाटर प्रूफ कवर फॉर मैट्रेस. और इसका जो क्वालिटी है काफी अच्छा है. इसमें वो पॉलीथीन काइंड ऑफ थिंग है नीचे लगा हुआ है जिसके हेल्प से क्या होता है, आप जो पानी अगर कुछ भी जाता है इसके अंदर सो वो नीचे नहीं जाता है, आपके मैट्रेस को खराब नहीं करता है क्योंकि अयांस होता है बेड के ऊपर. सो खराब होने का बहुत ही चांसेस है मैट्रेस. सो इसलिए मैंने ये जो है गार्ड और प्रोटेक्टर ऑर्डर किया है. ये मुझे 699 रुपीज का आ गया है, मतलब ये किंग साइज का बेड है और किंग साइज मैंने मंगाई है ये वाला 72-74 आई थिंक. और ये टायर आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. ऊपर से आपको थोड़ा सा मैट्रेस वाला फीलिंग भी आएगा, मतलब पता नहीं इसके अंदर क्या दिया हुआ है लेकिन बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है. और यस, काफी अच्छा भी है, 699 रुपीज का आता है. सो यस, आई विल गिव द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको चाहिए ऐसा.
दिस फ़ोन कवर. सो दिस इज़ द वन प्लस फ़ोन कवर जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ली है. और अगर आप इसे बाहर से खरीदोगे एंड बहुत ही सस्ता आएगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, दैट्स वाई आई गॉट दिस फ्रॉम ऑनलाइन. सो इट रिटेल्स फॉर आई थिंक अराउंड 200 rupees एंड दिस पॉप सर्किट यू कैन सी राइट ओवर योर. सो ये भी मैंने ली है फ्लिपकार्ट से एंड ये मुझे आ गया था अराउंड 139 या फिर 129 rupees, विच इज़ सो एक्सपेंसिव. अगर आप इसे लोकल मार्केट से परचेस करोगे तो आपको ये आ जाएगा लाइक 50 rupees में आपको मिल जाएगा. सो येस, ये एंटायर मैंने 200 and 120 बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं दोनों मिलके. लेकिन यस, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इनका क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा है एंड यू कैन सी द प्रिंट. मुझे प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा. लेट मी शो यू. ओके गाइस, सो नेक्स्ट मैंने ली है ये सिस्का का पावर बैंक. इट इज़ सो क्यूट, यू कैन सी ये पिंक कलर का है और इसमें आपको डबल पोर्टेबल चार्जर करने के लिए मिल जाता है. ये है 10,000 mAh वाला पावर बैंक. और अगर आप ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं करते हो सो ये काफ़ी टिकेगा, लेकिन ज़्यादा अगर आप ज़्यादा दिन के लिए चाहते हो सो इट इज़ नॉट फॉर दैट. लेकिन अच्छा ब्रांड का है, इसमें आपको 6 months का वारंटी मिल जाता है. और जब मैंने इसे परचेस करा था 499 rupees का था और नॉर्मली आई थिंक अभी इसका प्राइस जो है काफ़ी गया होगा. सो यस, ये मैंने परचेस करा था आई थिंक 1 या फिर 1.5 months बैक. ओके, सो पहले तो मैंने यहाँ पे ली है बर्गर के लिए बर्गर बंस, विच इज इम्पोर्टेंट थिंग इन बर्गर. सो इसको लेके मैंने पेज से काट ली है, एज यू कैन सी. तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये है चिकन पैटिस. तो ये चिकन बर्गर पैटिस है जो कि मैंने परचेस करी थी, आई थिंक आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में मैंने दिखाई थी. सो इसको जो है फ्राई करना है. सो यहाँ पे ऑलरेडी दो मैं फ्राई कर रही हूँ. तो ये लिए मैंने, सो इसको देखेंगे फ्रेंच फ्राइज करूँगी या नहीं करूँगी, अभी तक मैंने नहीं सोची है. सो यहाँ पे बर्गर के लिए और ऐड करूँगी यहाँ पे कुकुम्बर. सो कुकुम्बर में मैंने जो इस तरीके से पतला पतला करके इसको कट कर ली है, एज यू कैन सी. और यहाँ पे जो कैबेज है ना, इसको मैंने एकदम साइड से कट कर ली है, जस्ट यू कैन सी, यू कैन सी. तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया ताकि थोड़ा सा अच्छी तरीके से उसमें ऐड करो. देन आई हैव दिस वीवा का बर्गर मेयोनीज. तो ये एगलेस है बर्गर मेयोनीज, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम तो वैसे भी नॉन वेज ही खाने वाले हैं. सो दिस इज़ द बर्गर मेयोनीज. तो ये मैं डालूंगी उसके साथ. और उसके साथ और एक चीज़ कट करना है, विच इज़ प्याज. तो अभी मैं ऑनियन कट करूँगी. बर्गर के साथ आज मैं बना रही हूँ चिकन पकोड़ा. सो मैंने ये जो है रेडी कर लिया है और अभी मैं बनाऊँगी चिकन पकोड़ा. और आज मैं पहली बार बना रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे चिकन पकोड़ा बनाना नहीं आता है. मेरे जो है घर में हमेशा बाबा, मेरे पापा बहुत ही अच्छा चिकन पकोड़ा बनाते हैं, लेकिन यार आज मैं ट्राई करना चाहती हूँ. सो हियर वी आर. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. सो आज 15th of August और कल एक्चुअली रात को फ्लिपकार्ट हॉल वगैरह बना के मैंने वहीं पे ब्लॉग जो है स्टॉप कर दी थी. सो आज है इंडिपेंडेंस डे. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल जो भी ये वीडियो देख रहे हो एंड टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स. सो यस, आज ये जो मुझे आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये ब्लॉग को कंटिन्यू करना है. सो आप देख सकते हो यहाँ से जो नीचे से हेयर है ना, वो ग्रोथ होने लग गए हैं. आई थिंक प्रीवियस ईयर मैंने करवाई थी ट्रीटमेंट. यस, आप लोगों को पता होगा मैं मुंबई जाने से पहले मैंने करवाई थी. सो अभी जो हेयर है वो ग्रोथ होने लगे हैं. हेयर अभी बहुत ही लॉन्ग हो गया है, यू कैन सी एकदम नीचे तक आ रहा है. लेकिन यहाँ से जो है बहुत ही कर्ली एंड वेवी काइंड ऑफ, कर्ली तो नहीं लेकिन यस वेवी काइंड ऑफ हो गए हैं. मुझे वेवी हेयर बिल्कुल नहीं पसंद नहीं, ना ही मुझे कर्ली हेयर पसंद है. मुझे स्ट्रेट हेयर ही पसंद है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रेट हेयर ही सूट करते हैं. सो अभी ना मैं थोड़ा सा ये आगे से स्ट्रेट करूँगी. आई थिंक मैं सोच रही हूँ आज एक वीडियो में शूट करूँ, क्योंकि आज अगेन शटडाउन है और मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ. सो ऑब्वियसली आराम से घर पर बैठ के वीडियो बना सकती हूँ. अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा फ्रंट के हेयर जो है उसे स्ट्रेट करूँगी. और
यस, आज मैं बनाने वाली हूँ खीर, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मतलब बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लेता है, मतलब 3-4 घंटा ले लेता है, क्योंकि मैं आराम से करती हूँ, मैं कुकर में नहीं करती हूँ। ट्रिमिंग कर ली है एंड यू कैन सी अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे एटलीस्ट मेरे हेयर ऐसे ही पसंद है। मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं करवाऊँ, ऐसे ही रखूँ हेयर को, एंड आई रियली लव इट। सो यस, सो गाइज, आई गॉट दीज स्टोरेज बॉक्सेज फ्रॉम फर्स्ट क्राई। आई गॉट दिस फॉर 150 रुपीज़ या फिर 170 रुपीज़ ईच, विच इज़ सो रिजनेबल, यू कैन सी। इसमें भी मैं अपने मेकअप स्टोर कर सकती हूँ, लेकिन रिसेंटली आई फाउंड आउट दीज स्टोरेज बॉक्सेज फ्रॉम रिलायंस फ्रेश, और ये मुझे 99 में इंटायर सेट मिल गया था, जबकि आपको ये अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में अराउंड 400 रुपीज़ मिलेंगे। सो यू कैन सी इसमें आई शेडो पैलेट्स, मेरे पाउडर्स, मेरे जो भी फाउंडेशंस, कंसीलर्स एंड जो भी आईलाइनर्स वगैरह, एंड यहाँ पे सारी के सारे लिपस्टिक्स हैं, वो सब कुछ आ गए हैं यहाँ पे। एंड वो दो स्टोरेज बॉक्सेस को मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी रिसेंटली, या लेट्स सी आगे जाके उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आई विल टेल यू। सो लेट मी शो यू सम लाइक लिटिल क्यूट थिंग जो कि मैंने आयांश के लिए ली है। सो एक्चुअली मैं तो स्टार्टिंग से ही ले गई थी, लेकिन उसे हो नहीं रहा था, अभी भी नहीं हो रहा है, यहाँ तक आ जा रहा है, लेकिन अभी सोच रही हूँ उसे पहना दूँ। सो यस, ये मैंने ली थी, और उसके साथ लेट मी शो यू समथिंग, आई गॉट दिस रिंग एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो आयांश का है। सो आई एम सो ऑब्सेस्ड विद सिंगल स्टोन इयररिंग्स, और यहाँ पर मैंने एक लगाई हुई है, ये ऊपर एक मैंने न्यू ली है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दिस वन इज अ न्यू वन, और एक है जो कि मैं यहाँ पे नीचे लगाती हूँ। सो आई हैव सो मैनी कलेक्शन लाइक गोल्डन का, सिल्वर का, मुझे सिंगल स्टोन्स बहुत पसंद है। सो जब भी मुझे कहीं पे भी मिलता है मैं ले लेती हूँ। सो यस, ये मैंने न्यू ली है, ये ऊपर का जो आप देख रहे हो। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने आयांश का जो है सारा का सारा सामान निकाल लिया है, क्योंकि मुझे ना इन सबको देखो आयांश ड्रेस के अंदर मेरे ड्रेस भी घुस गया है। सो एक्चुअली इसको ना मुझे सब कुछ थोड़ा सा फोल्ड करके अच्छे तरीके से रखना है, और ये मुझे अभी हेल्प कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इट्स समथिंग न्यू, यू नो। सो अभी क्या करूँगी, इन सारी चीज़ों को अभी फोल्ड करूँगी, मतलब ये सब न्यू ड्रेसेस है जिसको मैं इस हालत में रखी हुई हूँ, और वेरी रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो मैं इसको अभी क्लीन करके फोल्ड करके अच्छे तरीके से रख के आप लोगों से बात करती हूँ, मतलब अभी का काम यही है। लॉकडाउन हो गया, और इसी में तब खरीदी थी जब आई थिंक आई वाज प्रेग्नेंट, 7 मंथ 6 मंथ प्रेग्नेंट, जबकि तब मैंने परचेस करा था। और ये जो है डबल एक्सएल साइज का है, यू कैन सी, काफी लाइक काफी बड़ा है, लेकिन काफी सुंदर सा कुर्ती है। और ये जो है मैं लाइफस्टाइल स्टोर से परचेस करके लाई थी। सो अभी तो ये एक्सेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3-4 मंथ्स ऑलरेडी हो गया है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा जो है यहाँ से स्टिचिंग करवाऊंगी, ताकि मैं इसे पहन सकूँ, क्योंकि इसे बिल्कुल भी नहीं पहना है, एकदम न्यू है। सो यस, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग विद दिस कुर्ता, और इसके साथ प्लाजोज भी है। तो यस, इसे लेके मुझे बाहर जाना था, मतलब मेरी कोई जान पहचान की है जो कि करवाती है स्टिचिंग वगैरह, तो उसके पास लेके जाना था। और वन मोर थिंग, मैंने ली है ये साड़ी, लाइक आई एम अ लाइक साड़ी लवर, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, आज यू गाइस नो, लेकिन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा साड़ी कलेक्शन है। लेकिन जो भी साड़ी मैंने पहले खरीदी है वो सब कुछ आप सिल्क या फिर ऐसे, मतलब जो बोलते हैं ना, बहुत ही थिक मटेरियल के साड़ीज हैं। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि जितना आप पतला साड़ी लाइक सिफॉन काइंड ऑफ साड़ी खरीदोगे, लाइक पहनोगे, उतना ही स्किन ट्रिम एंड आपका बॉडी जो है उतना ही अच्छा लगेगा। सो ये जो है मैंने ये वाला साड़ी परचेस करी है, ये है सिफॉन का साड़ी, मतलब इतना लाइक मक्खन जैसा साड़ी है, आई जस्ट लव दिस कलर। ये तो पहले तो ब्लू एंड स्काई
कॉम्बिनेशन का ये साड़ी है और मैं गई थी ये सिल्क साड़ी लेने, लेकिन ये कलर और ये जो मक्खन वाला साड़ी मुझे इतना पसंद आया तो आई गॉट दिस. एक्चुअली मुझे आइडिया आया था, मेरे जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने मुझे गिफ्ट करा था ये वाला साड़ी. सो ये साड़ी को छूने के बाद मुझे इतना पसंद आया शिफॉन साड़ी कि मुझे पता चला कि इसका मजा क्या आता है पहनने में. सो उसके बाद आई गॉट दिस ब्लू वन. और ये दोनों साड़ी मैंने इसलिए निकाली हुई है क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कौन सा पहनूंगी, क्योंकि मुझे आगे जाके अयांश के लिए फोटोशूट करना है. हो सकता है कि मैं तब साड़ी पहनूं और आगे गणेश पूजा भी, गणेश चतुर्थी भी आ रहा है, सो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मैं साड़ी पहनूं. सो ये दोनों साड़ी मैंने निकाली हुई है, मैं देखूंगी किसी दिन, लाइक एक मैं फोटोशूट के लिए पहनूंगी और एक मैं गणेश चतुर्थी में पहनूंगी. सो ब्लाउज जो है वो सिलना है, लाइक स्टिच करवाना है ओब्वियसली, सो उसके लिए मैं लेके जाऊंगी अगेन. सो इन सबको लेके जाना था आज, लेकिन ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया शटडाउन है, तो मैं ट्राई करूंगी कि आज सुन आज पॉसिबल मैं जाऊं और ये सब कुछ काम करवा के आऊं. एंड यस, ये दिखाना था आप लोगों को. ओके, सो ये जो मैंने दिखाई थी, जो कि मैंने फर्स्ट ट्राई से परचेस करी थी, सो ये जो है एकदम खाली था. और एक भी है इस तरीके की जो कि अभी खाली है, लेकिन मैं नायका के बॉक्स में रखती थी नेल पॉलिशेस, सो आई थॉट कि चलो मैं इसमें रख देती हूँ. एंड यू कैन सी ये काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं. मेरे पास जितने भी नेल पॉलिशेस थे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के एंड ऑल, सो सब कुछ मैंने यहाँ पर रख दिए हैं. बेला भोसले एंड स्टेक वर्क की एंड यहाँ पर कुछ टी एस कॉस्मेटिक्स के. सो यहाँ पर कुछ ये है, ये आई थिंक पर्पल का है, यस पर्पल का है. सो मेबिलिन का ये है. सो ये इस तरीके से मैंने डेकोरेट करके रख दिया है, यू कैन सी. ओके गाइस, सो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है खीर, आज आई टोल्ड यू. और ये ऊपर जो देख रहे हो आप, घी देख रहे हो इतना सारा. और यस, यहाँ पे मैंने मिल्क में डाला हुआ है एकदम, ये वाला एक बॉटल डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि ओब्वियसली आप खोआ डाल सकते हो, नहीं तो मिल्क में भी डाल सकते हो. सो मैं मिल्क में डाल के करती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट एकदम बाहर जैसा आता है, सो यम, सो इसलिए डालती हूँ. और ये डल चुका है अभी इस तरीके से, आई थिंक और 2 आवर्स लगेगा. मैं कब से स्टार्ट कर चुकी हूँ, 2 आवर्स हो गया है और नेक्स्ट 2 आवर्स लगेगा. सो यस, अभी बन रहा है, अभी तो उबाल आ रहा है, एज यू कैन सी राइट. इसका कलर बहुत मस्त आएगा, मैं आपको लास्ट को दिखाऊंगी कैसा लग रहा है. ओके ओके गाइस, तो खीर जो है वो बन चुका है, आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा निकल के आया है. सो ये जो है मैंने इतना ही, ओ माय गॉड कैमरा पे आ रहा है. सो यस, मैंने इतना ही कंसिस्टेंसी थिक रखा है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा थिक कर दूंगी रहने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा. सो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके की रखी है मैंने, और ये ठीक हो जाएगा, मतलब 2-3 घंटे ऐसे रखने के बाद ठीक हो जाएगा. इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी केसर. सो ये जो केसर है, प्रेगनेंसी के टाइम के केसर है जो मेरे हस्बैंड लाए थे, ये डायरेक्ट कश्मीर से लाए थे, मतलब किसी के हाथ मंगवाए थे ये केसर. सो ये क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, मतलब इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना होता है क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है, मतलब बॉडी के लिए. थोड़ा सा जस्ट फॉर लाइक दैट फ्रेग्रेंस एंड दैट कलर मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ कुछ स्ट्रैंड्स, और इतना ही ऐड करूँगी, ठीक है. हालांकि बहुत ज़्यादा खीर है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, मतलब कलर या फिर फ्रेग्रेंस, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए. सो यस, ऐड कर दिए मैंने एंड दैट्स इट, खीर बन गया है. सो थोड़ी देर बाद इसको खाएंगे, क्योंकि गर्म गर्म खाने में वो मज़ा नहीं आता है जो थोड़ी देर बाद ठंडा होने वाला आता है. बताना कि आप लोगों में से किसी को ये सेम फीलिंग आता है. सो यस, आई एम डन. So guys, I just got this news that both Dhoni and Raina were retired and I am so shocked that 2020 में क्या क्या हो रहा है. हालांकि कभी ना कभी ये होने वाला था, लेकिन मतलब back to back कुछ ना कुछ हो रहा है. एंड मुझे दोनों बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं जितना सुनी है मैंने ये कि बहुत ही धोनी बहुत ही ज़्यादा जेंटल पर्सन है, बहुत ही लाइक इंस्पायर होती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है उनके, लाइक उनके फोटोज हो गया जो भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. आई एम सो इमोशनल राइट नाउ. मैं ट्विटर जो है देखती जा रही हूँ 1 घंटे से कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं. सो यस, ये सब सोच के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 2020 में और क्या क्या होने वाला है, लाइक सीरियसली. इट्स 9 PM और मैं अभी इसलिए व्लॉग स्टार्ट करी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूं, क्योंकि आफ्टर 2 डेज मैं अगेन एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करूंगी. अगर इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूंगी तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा एंड आप लोग बोर हो जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी. सो इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर दूंगी. सो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती थी, जो श्लोकार्ड माई हेयर,
आज मैंने यूज करी थी स्कॉटशॉप का स्पार्क क्रीम एंड उसके बाद मेरे हेयर जो है इतना अच्छा लग रहा है, लाइक दिन भर में ऐसे हेयर को ओपन करके घूम रहे, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। सो यस, बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत ही अच्छा स्पार्क क्रीम है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो चाहिए देन डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, मैं बनाऊंगी। सो यस, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आगे आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज कम्प्लीटली फ्री। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कंटेंट। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ आज अगस्त 15 और रात को मैं ये ब्लॉग जो है एंड कर रही हूँ, अगस्त 16 को आप ये ब्लॉग देखोगे। सो या, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कंटेंट, टिल देन बाय।